वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की इस प्रचंड जीत पर? देखिए, ये जीत है दिल्ली वालों की, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। भाजपा कांग्रेस ने खाली बातें करी है और केजरीवाल ने करके दिखाया है और लोगों ने उसी पे उनको वोट दिया है। और मैं ये नहीं कहता आने वाले 5 साल या आने वाले 50 साल, जब तक ये जिंदा कोई इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में क्यों नहीं जीत पाई? इसका सर सबसे बड़ी कारण ये है कि इन्होंने जो इलेक्शन किया था वो जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर नेगेटिव कैंपेन किया। ना ही हमने ये बताया कि सीएम कौन है, ना इन्होंने बताया विकास क्या होगा, ना दिल्ली का मॉडल क्या होगा, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और सिर्फ बताया तो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह की इन्होंने राजनीति की, गंदी राजनीति की। केजरीवाल जी ने सिर्फ विकास किया, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो फ्री बस का हो, चाहे वो बच्चों का शिक्षा हो, चाहे वो बड़े को तीर्थ यात्रा हो, उन्होंने सारे काम करके बताए। उसके बाद उन्होंने वोट मांगा, उसके बाद ये कहा कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना, वरना काम किया हो तो वोट देना। विकास की जीत, सच्चाई की जीत है ये। आपको क्या लगता है कि आप केजरीवाल जी आने वाले 5 सालों में उन्हें कौन से काम प्राथमिकता से करने चाहिए? लेकिन जितने इन्होंने वादे किए थे उससे भी ज्यादा काम किया है, और इससे अच्छा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जितना आने वाले समय में कौन से काम करेंगे वो तो वो अपने लिस्ट बनाएंगे क्या काम करना है, लेकिन वो जितने भी काम वादे किया उससे ज्यादा काम किया है। और इस इंसान अगर देश का प्रधानमंत्री बना जाए तो देश सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाए। आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ तैयारी शुरू करें? नहीं, वो करें ना करें वो उनका डिसीजन है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा बंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का सबसे अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में तो रवि लाल बहादुर शास्त्री मंत्री थे या अरविंद केजरीवाल आया, जिसने जितने वादे किए उससे डबल काम किया। इन्हें गाय गोबर की हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, इसने विकास के नाम पे वोट लिया और पब्लिक के बीच में रहा और ये कहा अगर मेरा काम अच्छा लगे तो वोट दे दियो, नहीं दियो, ऐसा आज तक इस राजनीति पार्टी ने नहीं कहा। बिल्कुल खुशी की बात है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है और हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ना फूल रहा ना आहत, ईद दिवाली एक साथ पार्टी के कार्यालय में आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो नहीं जीत पाई है इस चुनाव में उसका क्या कारण रहे होंगे? बीजेपी ने तो कुछ करा ही नहीं था, वो तो एक फिरका परस्ती का रंग देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़कर अब कुछ करना चाह रही थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस दानिशमंदी और समझदारी का सबूत दिया वो काबिले तारीफ है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल आने वाले 5 सालों में इस बार कौन से काम करेंगे? केजरीवाल हर एक अच्छा काम करेंगे, वो जैसे कि अब कराए उन्हीं ने पानी पे, बिजली पे, अस्पताल पे, स्कूल पे, सब पे काम कराए केजरीवाल साहब ने, और आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को अब सीएम के साथ अब पीएम पद की भी तैयारी कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए इनको तैयारी, ऐसी लायक है ये, इनके अलावा कुछ संभाल नहीं सकता कोई, घर ही रहेंगे तो संभाल लेंगे। दिल्ली जनता सब खुश है, दिल्ली वाले सारे खुश हैं, सबके लिए करें इन्होंने काम। और इनके आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो नहीं जीत पाई है सबसे प्रमुख कारण क्या रहे होंगे तो जो बीजेपी नहीं जीत पाई चुनाव? बीजेपी की अपनी नाकामयाबी है, दुनिया भर के शाहीन बाग ले लो, ये ले लो, वो लो ले, दुनिया भर के मुद्दे उठा रहे। देखिए, ये जीत चाणक्य की चतुराई का चरमरा जाना है, ये जीत मोदी के घमंड का टूट जाना है, ये 200-300 सांसदों के घेराबंदी के बाद चक्रव्यूह का तोड़ देना है, ये तमाम मुख्यमंत्रियों का डेरा डाल लेना, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, ये मन की बात करने वाले और बातों के बतासे बांटने वालों पर, ये काम करने वाला दिल्ली का लाल जीत कराया और उसने बता दिया है कि वो आतंकवादी नहीं दिल्ली का लाडला है, और अब दिल्ली का सीएम ही नहीं रहेगा, वो आने वाले समय में हिंदुस्तान का पीएम बनेगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान करके रख दिया, बिरयानी और शाहीनबाग करके रख दिया, ये कोई तरीका है? आप इलेक्शन लड़िए ठीक है, भाईचारे के साथ लड़िए ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी लड़ा जाता है कि आप दिलों को बांट दें, मुल्क को बांट दें। ठीक है, जो मुल्क बट गया, जो लोग चले गए वो चले गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव में शाहीनबाग सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान किया है? शाहीनबाग सबसे ज्यादा नहीं रहा, शाहीनबाग को तो इन लोगों ने करा है, सामने लाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शाहीनबाग सब कुछ है, सब कुछ विकास है, सब कुछ
कुछ तालीम है, सब कुछ स्वास्थ्य है हमारी। अगर बात विकास की हो रही है तो आने वाले 5 साल में केजरीवाल को कौन से काम और करने हो? सर जी आने वाले 5 साल में नहीं, मैं तो ये कहूँगा 50 साल पीएम और क्या नाम है हमारे जो आने वाले केजरीवाल जी, जिस तरीके से इन्होंने तमाम गरीबों को, जो हमारे गरीब है दिल्ली के और हिंदुस्तान के, तमाम राज्यों से बसते हैं यहाँ पर आकर, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली वाले यहाँ पर, दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले नहीं है लेकिन सारे यूपी हरियाणा राजस्थान पंजाब तो हर दिशा से लोग यहाँ पर आकर। आपको क्या लगता है केजरीवाल के जीत के क्या कारण रहे? इन्होंने जो है सर ये बस वगैरह जो है फ्री कर दी लेडीज के लिए 2-3 महीने पहले ही, पानी वगैरह सुविधा कर दिया, हॉस्पिटल में भी आपका जो है कि बहुत सुधार होगा पहले से, और स्कूलों में सुधार हुआ है, ये अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल, इसलिए जीते हैं इन्होंने। आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल को अब सीएम के अलावा पीएम पद की ओर रुख करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल आगे की दौड़ होनी चाहिए सीएम पीएम साहब की, पीएम के लिए सीएम साहब की, और हम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार के क्या कारण रहा, किस वजह से नहीं जीत पाई वो? इलेक्शन हम लोग दिल्ली में लड़ रहे थे, वो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, इलेक्शन हम लोग दिल्ली में विकास के मुद्दे पर जा रहे थे, वो लोग शाहीनबाग जा रहे थे। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि 12% मुसलमान है यहाँ पे, वो हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे थे, वो 88% को भड़का रहे थे 12% की, मगर दिल्ली की जनता ने बताया कि हम वोट उसे देंगे जो विकास की बात करेगा, हम वोट उसे देंगे जो शिक्षा की बात करेगा, हम वोट उसे देंगे जो स्वास्थ्य की बात करेगा, हम वोट उसे देंगे जो बिजली फ्री देगा, हम वोट उसे देंगे जो पानी के क्षेत्र में काम करेगा, हम वोट उसे देंगे जो महिलाओं को फ्री राइड कराएगा, हम वोट उसे देंगे जो विकलांगों को पेंशन देगा, हम वोट उसे देंगे जो जो हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द विक्ट्री इन स्पाइट ऑफ द कैंपेन दैट द बीजेपी रन अलोंगसाइड विद द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस, so I'm very very happy right now that we have maintained our position in Delhi and that we'll come back again for the next 5 years to do work for the poor in Delhi.